राकेश अग्रवाल, विश्रांतवाड़ी में हम लोग 1947 से हमारी फैमिली रहती है, तो मैं बॉर्न उधर से हुआ हूँ और मेरा जो एरिया है वो सब जानकार है उस एरिया का मैं, और उस एरिया में रहने के बाद मैंने 23 साल से इस बिजनेस में हूँ, कंस्ट्रक्शन फील्ड में, जिसमें मैंने आज तक हम दोनों भाइयों ने मिला के 30+ प्रोजेक्ट हमने डिलीवर किए, जिसमें 1500+ हैप्पी क्लाइंट है हमारे। उसके बाद हमने जो ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया है तो ये पूरा एक्सपीरियंस उसमें डाल के जो भी रिक्वायरमेंट होती है, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, जो जो लगता है कस्टमर को उनके बच्चों के बारे में या इसके बारे में, वो पूरा इन हाउस कोशिश किया कि उसमें बिठाने की। हमारे लिए लक से हमको इतना बड़ा लैंड पार्सल एक साथ एक जगह मिल गया है। इतना बड़ा लैंड पार्सल अभी अवेलेबल भी है नहीं उस एरिया में इतना बड़ा, और उस प्रोजेक्ट में जो जो हमने डाल सकते, जो जो एफर्ट्स हम पूरी लाइफ का पूरा एफर्ट्स हमने उसमें डाल लगा हुआ है, तो प्रोजेक्ट एक लोकेलिटी को मैच करते हुए हमने बनाया है। मतलब 800 स्क्वायर फुट कारपेट के प्लस हमने जो भी फ्लैट बनाए हैं, जिसमें 3 BHK भी ऑलमोस्ट 1080 स्क्वायर फुट का है हमारा, कारपेट की बात कर रहा हूँ, सेलेबल इससे ज़्यादा भी जाएगा। और इतना बड़ा लैंड पार्सल और इतनी बड़ी एम्यूनिटी और इतना बड़ा जॉगिंग ट्रैक इन हाउस दिया है। इसमें एक चीज़ अभी हम लोग और प्लान कर रहे हैं जो अभी तक हमको सैंक्शन मिला नहीं, हमारे प्रोजेक्ट को लग के हमारा 1.5 एकड़ लैंड है, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि उधर स्कूल बने। जो पहले वाला जो कल्चर था जिसमें बच्चे लोग घर से पैदल स्कूल जाते थे, पैदल घर से आते थे, वो हम उसमें लाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अभी भी बता रहा हूँ वो भी पाइपलाइन में है, वो प्रोजेक्ट सैंक्शन होगा नहीं होगा वो अलग बात है, कोशिश हमारी चल रही है कि वो हमको मिल जाए। और ग्राउंड से 12 तक हम लोग उसमें पूरे बच्चों को अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें 2000 फैमिली को कम से कम 4000 स्टूडेंट होते एक प्रोजेक्ट में, तो 2000 अकोमोडेट उसमें हो जाए इस तरह से हम लोग प्लान कर रहे हैं, जिससे व्हीकल फ्री हो, जाने आने का कोई पोल्यूशन नहीं हो, हर एक स्टूडेंट का 2 घंटा बचे और वो अपने घर में टाइम दे सके। एंड एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के जस्ट बैक साइड हम लोग आते हैं, तो एयरपोर्ट बाय व्हीकल तो 10 मिनट लगेंगे, लेकिन वैसे तो बहुत नज़दीक है। आर्किटेक्ट रुचिका अग्रवाल, तो हमारे डिवाइन गार्डन प्रोजेक्ट में हमने एमिनिटीज़ लाइक 108+ एमिनिटीज़ दी है, जो हमने इस तरीके से प्लान की है जिसमें 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस स्पेस है जो उस एरिया का सबसे बड़ा है, और प्लस 1/2 एकड़ के हमने 6 ओपन स्पेसेस दिए हैं जो लाइक जिसमें हर एक एमिनिटी को इस तरीके से केटर किया है कि लाइक हर एक एज ग्रुप के लिए वो प्लान आउट हो सके, जिसमें 4 स्विमिंग पूल्स दिए हैं, प्लस हमने इंडोर के गेम जोन्स दिए हैं, क्लब हाउस में अलग से
मिनी थिएटर्स दिए हैं, प्लस गेस्ट रूम्स दिए हैं, क्रैश एरिया दिया है जो अलग से प्रोवाइडेड नहीं होता है, ट्यूशन एरियाज दिए हमने, सेमिनार हॉल्स दिए हैं, तो इस तरीके से वीआरवी गेमिंग रूम्स जो एमिनिटीज बाकी प्रोजेक्ट्स में नहीं है, जो डिवाइन गार्डन को एक अलग बनाती है बाकी प्रोजेक्ट से, प्लस 1 किलोमीटर के जॉगिंग वॉकिंग ट्रैक्स दिए हैं जो व्हीकल फ्री है, और गार्डन मतलब आपको एक कनेक्टिविटी देते हैं नेचर के साथ, प्लस वो सेफ्टी भी प्रोवाइड करते हैं चिल्ड्रन और लाइक सीनियर सिटीजन्स के लिए। आई एम रोहन अग्रवाल, डायरेक्टर ऑफ श्रीराम एसोसिएट्स। वी हैव कम अप विद अ प्रोजेक्ट डिवाइन गार्डन इन द विसिनिटी ऑफ धानोरी एंड लोहगांव। वी आर अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट, सो आर लोकेशन इज़ वन ऑफ द अनमैच्ड लोकेशंस वेयर वन कैन बाय अ फ्लैट। Our project is 12 acres, is facilitated in 12 acres land parcel area, which has 8 acre plus vehicle free podium. So each individual will have a vehicle free experience in our project. Coming to the amenities aspect, we are providing 108 plus amenities in our project, which bypasses any other project in our area. Also, our project is largest as compared to other projects in our area, and our carpet size is also the biggest as compared to other projects in our area. Our 2 BHK starts from 812 square feet, that is the carpet area of the project. The saleable is much beyond that. And our 3 BHK starts from 992 square feet and goes up to 1080 square feet. So, as you can see, the carpet area is very big in itself. Just like the project, coming up with a 12 acre project, we have to also cater to the needs of the society. So we are coming with youth centric games, such as we have lots of indoor games, outdoor games, and all the aspects in our project.